Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the 15th chapter of class 7th ICSC Maths, that is Triangle, from the book Selena Coincides. So, today in this class, we will complete exercise 15a. So, let's get started. Before starting this exercise, first of all, we should know the basic term which we are going to use in this exercise, and that basic term is triangle itself. As the chapter name suggests, triangle. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज अ ट्राई एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो वाला पॉलीगन या वो वाली शेप जिसमें थ्री साइड्स हों जैसे ये फर्स्ट साइड है सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड ये थ्री साइड्स वाली कोई पॉलीगन और जिसमें थ्री एंगल्स हों फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल उसे हम क्या बोलते हैं ट्राई एंगल ट्राई एंगल मीन्स ट्राई मीन्स थ्री एंगल मीन्स एंगल्स वो वाली शेप जिसमें थ्री एंगल्स हों उसे हम बोलते हैं ट्राई एंगल ठीक है तो ट्राई एंगल्स में बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में क्या यूज़ करेंगे हम ये यूज़ करेंगे कि जो भी एंगल्स होते हैं ट्राई एंगल्स की फॉर एग्जाम्पल ये एंगल वन है ये वाला एंगल टू है एंड ये वाला एंगल थ्री है ठीक है जो तीनों एंगल्स होते हैं ट्राई एंगल के उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री दिस सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज़ नथिंग बट वन एटी डिग्री इन तीनों तो के हम एंगल्स को प्लस कर देंगे प्लस करने पे हम इसको किसके इक्वल्स रखेंगे इक्वल्स रखेंगे वन डिग्री और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी जब भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट में हमने पक्का ये वाली चीज़ लिखनी है एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो इसी हम यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग स्टेट इफ द ट्राइ एंगल्स आर पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स हमें ये चेक करना है कि ये वाले एंगल्स के साथ जो ट्राएंगल है वो पॉसिबल है कि नहीं तो फर्स्ट हमारे पास है ट्वेंटी डिग्री फॉर एक्जाम्पल हमारे पास ये ट्राइंगल है ट्राइंगल में ये फर्स्ट एंगल है ट्वेंटी डिग्री देन वी आर हैविंग सेवेंटी देन वी आर हैविंग नाइन्टी डिग्री ठीक है हमें क्या करना है बेसिकली इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में हमें सारे एंगल्स का प्लस करना है सारे एंगल्स का प्लस अगर तो वन एटी डिग्री के इक्वल्स आ गया इट मीन्स दिस इज अ ट्राएंगल अदरवाइज नो तो एंगल्स के हमारे पास फर्स्ट में ट्वेंटी डिग्री प्लस सेवेंटी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री तो आंसर कितना आ जाएगा वन एटी डिग्री अगर तो ऐड करने पे आंसर वन एट डिग्री आ गया तो येस दिस इज अ ट्राएंगल दिस इज़ अ ट्राइ अदरवाइज नो तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है हमें गिवन है फोर्टी वन थर्टी एंड ट्वेंटी दीज आर द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइ इन तीनों को ऐड कर दो ऐड करने पे आंसर कितना आएगा फोर्टी प्लस वन थर्टी प्लस ट्वेंटी विल गिव यू वन नाइन्टी डिग्री एंगल वन नाइन डिग्री आ गया ना वन एटी डिग्री नहीं आया वन एटी नहीं आया मतलब ये वाली जो एंगल्स है वो ट्राइंगल नहीं है ठीक है थर्ड हमारे पास है सिक्सटी डिग्री कॉमा सिक्सटी कॉमा फिफ्टी इन तीनों का हमें ऐड करना है सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस फिफ्टी कितना आंसर आ जाएगा हेर यू विल गेट द आंसर एज वन सेवनटी डिग्री तो वन सेवनटी डिग्री आ गया दीज एंगल्स विल नॉट फॉर्म अ पॉसिबल ट्राइंगल सो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है आप तीनों को ऐड कर लेना ऐड करने पे अगर तो वन एटी डिग्री आ गया तो वो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी अदरवाइज नो no. सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग इफ द एंगल्स ऑफ ट्राई आर इक्वल हमें गिवन है कि अगर ट्राई के जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल है इक्वल मीनस लेट कर लो कि तीनों एंगल्स x, x एंड x है तीनों एंगल्स इक्वल है फाइंड द एंगल्स है, find the angles. हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें पता है ना अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन है जो सारे एंगल्स होते हैं ट्राई के तीनों एंगल वो इज इक्वल टू होते हैं वन एट डिग्री के ठीक है इन तीनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री एंड एक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री ठीक है तो हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी डिग्री मतलब ईच एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री फाइन नेक्स्ट वीर हैविंग थर्ड क्वेश्चन इन अ ट्राई एंगल ए बी सी हमें ये ट्राई एंगल ए बी सी गिवन है ये ए बी सी हमें गिवन किया जो एंगल ए है वो फोर्टी फाइव डिग्री है एंगल बी सेवेंटी फाइव डिग्री है हमें एंगल सी फाइंड आउट करना सेट कर लो एंगल सी इज़ इक्वल्स टू एक्स डिग्री तो हमें एक्स डिग्री और एंगल सी हमें फ़ाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करोगे तीनों को प्लस कर दो तीनों एंगल्स को प्लस कर दो फॉर्टी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव प्लस एक्स इज इक्ल टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है आपने पूरा लिखना है शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी फुल लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी इन दोनों को ऐड कर दो ऐड करने पे कितना आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सिक्सटी डिग्री सो एंगल सी इज़ नथिंग बट अ सिक्सटी डिग्री एंगल ओके नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ क्वेश्चन इन अ ट्राई एंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू एंड आर इन विच पी इज गिवन सिक्सटी डिग्री और क्यू जो Q और R एंगल्स है दोनों इक्वल है एंगल क्यू इज़ इक्वल्स टू एंगल आर तो लेट कर लो कि जो एंगल क्यू एंड एंगल आर है वो एक्स डिग्री हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इक्वल है मैंने इक्वल एक्स रख लिया ठीक है हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल आर कितना है तो एंगल आर कैसे फाइंड आउट करोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो सिक्सटी प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ब्रेकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी तो इसको सॉल्व कर लो सिक्सटी प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी ये सिक्सटी इधर प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस सिक्सटी टू एक्स इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री सो एंगल R विल बी 60 डिग्री सिमिलरली एंगल Q इज आल्सो 60 डिग्री ओके नेक्स्ट आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन कैलकुलेट द अन नोन एंगल मार्क्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हमें क्या करना है ये एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है या तो एक्स है या वाई है या ए है हमें एक्स वाई और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेरी फर्स्ट डायग्राम में हमें क्या आगे बना है ये वाली ट्राइंगल में फर्स्ट एंगल है नाइन्टी अगर कोई भी ट्राइंगल में हमें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ना ऐसे करके इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है ठीक है तो ये हमें एंगल नाइन्टी की बना है ये थर्टी है ये एक्स है हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू तो क्या करो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस एक्स इज ईक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है वन ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वन ट्वेंटी इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी डिग्री सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द सेकेंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या आगे है गिवन है ये वाली ट्राइंगल गिवन है और ये ट्राइंगल में सेम एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस एटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो काउंट कर लो कितना आ जाएगा एट्टी प्लस ट्वेंटी इज हंड्रेड इज इक्वल्स टू वन एटी हंड्रेड प्लस में जाके माइनस कर दो वाई इज इक्वल्स टू वन एटी माइनस हंड्रेड y इज़ इक्ल्स टू एटी डिग्री तो सेकेंड केस में y की वैल्यू कितनी आ गई एटी डिग्री सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है जो ये गिवन है रेक्टेंगल की फॉर्म में स्केयर की फॉर्म में ये गिवन है इसको हम नाइन्टी डिग्री लेते हैं ठीक है ये नाइन्टी है ये फोर्टी हमें ए एंगल फाइंड आउट करना है मैं स्टार्ट कर देती हूँ थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है ए प्लस नाइन्टी प्लस फोर्टी इज इक्वल्स टू वन एटी रख देना है और ए की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है जो भी वैल्यू है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देनी है ठीक है नेक्स्ट में हावंग सिक्स क्वेश्चन इन सिक्स क्वेश्चन वट वी हैव टू फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन द फॉलोइंग फिगर हमें ये वाली फिगर्स में हमें हर एक, एक एंगल को फाइंड आउट करना है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे फर्स्ट हमें गिवन है फाइव एक्स फोर एक्स एंड एक्स तो क्या करो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो मतलब ये सारे क्वेश्चन में सारी एक्सरसाइज में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ठीक है तो यूज़ कर लो कितना जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है ब्रैकेट में लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी तो इसको सॉल्व कर लो कितना जाएगा फाइव प्लस फोर नाइन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री नाइन एक्स प्लस एक्स अगर एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब वन होता है तो नाइन प्लस वन टेन एक्स इज़ इक्ल्स टू वन एटी डिग्री टेन मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी ओवर टेन सो जीरो कट विथ जीरो यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू एटीन डिग्री एक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट होगी एटीन डिग्री है पर उन्होंने बोला ईच एंगल फाइंड आउट करना है हर एक एंगल फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट एंगल सी एंगल सी तो एटीन डिग्री आ गया एंगल ए कितना होगा फाइव एक्स है फाइव एक्स मतलब फाइव मल्टीप्लाई एटीन तो फाइव मल्टीप्लाई एटीन कर देना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे नाइनटी डिग्री तो एंगल ए कितना आ गया एंगल ए हमें गिवन था ना फाइव एक्स फ़ाइव एक्स मतलब फ़ाइव मल्टीप्लाई एटीन मीन्स नाइन्टी डिग्री तो एंगल ए कितना आ गया नाइन्टी डिग्री सिमिलरली वी आर हैविंग एंगल बी एंगल बी कितना है फोर एक्स तो एंगल बी को लिख लो फोर एक्स मतलब फ़ोर मल्टीप्लाई एटीन डिग्री तो फोर मल्टीप्लाई एटीन विल गिव यू 72 टू डिग्री एंगल बी कितना आ गया सेवनटी टू और एंगल सी कितना है एटीन डिग्री फाइन नेक्स्ट वेल हम एक सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में भी हमें ईच एंगल फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या होता है एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स इज इक्ल टू वन एटी डिग्री ठीक है इन तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा फाइव एक्स इज इक्ल टू वन एटी डिग्री फाइव इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो एक्स इज इक्वल टू वन एटी बाई फाइव जब आप इसको डिवाइड करोगे डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स डिग्री तो एक्स की वैल्यू वी हैव फाउंड थर्टी सिक्स डिग्री एंगल ए हमारे पास कितना आ गया थर्टी सिक्स एंगल बी कितना आ जाएगा टू एक्स टू एक्स मतलब टू मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स तो टू मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स विल गिव यू 72 टू डिग्री एंगल बी कितना आ गया 72 टू डिग्री सिमिलरली वी आर हैविंग एंगल सी ऑल्सो टू एक्स मीन्स सेवनटी टू डिग्री ओनली ओके नेक्स्ट में हैविंग सेवंथ क्वेश्चन फाइंड द अनन नोन मार्ग देंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर हमें क्या करना है गिवन फिगर्स में जो भी अनन नोन एंगल्स है जैसे ये तो फिफ्टी नोन है हमें पता है फिफ्टी डिग्री है हमें अननोन ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन जो भी हमें गिवन है हमें वो फाइंड आउट करना है ठीक है जैसे फर्स्ट केस में है हमें बी फिफ्टी बी ये वाले एंगल्स गिवन है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो बी प्लस फिफ्टी प्लस बी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो देखो यहाँ पे ये बी है ये भी बी है तो ये सेम वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे बी प्लस बी बी मतलब वन बी ये भी बी मतलब वन बी ठीक है बी प्लस बी कितना आ जाएगा टू आ, ए वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू और बी ए सच तो कितना आ जाएगा टू बी प्लस फिफ्टी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री फिफ्टी इधर प्लस में जाके माइनस कर दो टू बी इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस फिफ्टी अब ऐसे मत कर देना कि टू बी प्लस फिफ्टी को फिफ्टी टू भी लिख दो ऐसे नहीं होता अगर ये टू के पीछे वेरिएबल डिफरेंट है बी है बट बी फिफ्टी के साथ तो कोई ए बी नहीं गिवन ना कोई बी नहीं गिवन अगर तो यहाँ पे फिफ्टी के साथ भी बी होता तो ये फिफ्टी टू भी बन जाना था बट यहाँ पे फिफ्टी के साथ कोई बी नहीं गिवन कोई वेरिएबल नहीं गिवन तो ये कॉन्स्टेंट होता है अगर कोई ए बी सी कुछ ना गिवन हो वो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाओ कांस्टेंट कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे बट एक वेरिएबल एक कांस्टेंट कभी नहीं सॉल्व होंगे ठीक है तो टू बी कितना आ जाएगा वन थर्टी डिग्री और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी विल सिक्सटी फाइव डिग्री बी की वैल्यू सिक्सटी फाइव डिग्री आ गई अगर ये सिक्सटी फाइव डिग्री है तो ये भी बी है ना ये भी सिक्सटी फाइव डिग्री आ जाएगा ठीक है सिमिलरली वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट सेकंड पार्ट में भी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एक्स प्लस नाइन्टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है एक्स प्लस एक्स कितना जाएगा टू एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री अब क्या करोगे ये टू एक्स एक वेरिएबल है नाइन्टी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास ले जाऊँ टू एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी नाइन्टी इधर प्लस में था जाके माइनस हो गया तो टू एक्स इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री x की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू मल्टीप्लाई में ना जाके डिवाइड कर दो नाइन्टी डिग्री बाई टू तो x की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी फाइव डिग्री x की वैल्यू अगर ये 45 फाइव है तो ये वाला भी कितना होगा फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है नेक्स्ट आर हैविंग थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में हमें ये ट्राइंगल गिवन है जिसके सारे एंगल्स के डिग्री है तो सभी एंगल्स को प्लस करके रख दो वन एटी के इक्वल्स ठीक है ब्रैकेट में क्या लिखोगे ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है के प्लस के प्लस के तीनों वेरिएबल्स हैं ना तीनों मतलब सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं के वाले तो वन प्लस वन प्लस वन मतलब थ्री के हो जाएगा ये थ्री के इज़ इक्वल्स टू वन एटी थ्री अगर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो के इज़ इक्वल्स टू वन एटी बाई थ्री तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यू विल गेट के एज सिक्सटी डिग्री के की वैल्यू सिक्सटी डिग्री आ गई ना तो ईच एंगल ऑफ दिस ट्राई इज सिक्सटी डिग्री क्लियर नेक्स्ट वीर हैविंग फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में भी हमें कुछ एम की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है तो क्या करें जो तीनों एंगल्स हैं ये तीनों एंगल्स के प्लस को हम वन डिग्री इक्वल टू तो रख लेते हैं ठीक है कितना जाएगा एम माइनस फाइव ये फर्स्ट एंगल है नेक्स्ट हमें गिवन है सिक्सटी नेक्स्ट थर्ड एंगल हमें गिवन है एम प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया अगर आपने नहीं करनी तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी रख सकते हो ऐसे ही रख लो सिंपली भले ठीक है यहाँ पे ऐसे रख लो एम प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री कितना जाएगा एम प्लस एम टू एम सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव और ये माइनस फाइव एक बार ऐसा रख लो इज इक्वल्स टू वन एटी टू एम प्लस सिक्सटी फाइव माइनस फाइव कितना जाएगा सिक्सटी इज इक्वल्स टू वन एटी सिक्सटी इधर प्लस में जाके माइनस कर दो टू एम इज़ इक्वल्स टू वन एटी माइनस सिक्सटी टू एम कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये टू मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो सिक्सटी डिग्री तो एम की वैल्यू सिक्सटी डिग्री आ गई ना हमें ईच एंगल फाइंड आउट करना है एम माइनस फाइव तो एम माइनस फाइव कितना आ जाएगा एम की वैल्यू कितनी है सिक्सटी माइनस फाइव कितना आ जाएगा फिफ्टी फाइव डिग्री ये वाला फर्स्ट एंगल आ गया हमारे पास फिफ्टी फाइव डिग्री सेकेंड एंगल है? M +5. मतलब 60 +5. 60 +5 क्या है एम प्लस फाइव मतलब सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी प्लस फाइव क्या आ जाएगा सिक्सटी फाइव तो हर एक एंगल हमने ऑफर एंगल फाइंड आउट कर लिया ठीक है सो नेक्स्ट यू आर हैविंग एट क्वेश्चन सी केयरफुली। इन गिवन फिगर शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी हमें क्या करना है ये वाले डायग्राम से ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी के ठीक है हमें पहले गिवन क्या है हमें गिवन है कि जो बी ये वाली लाइन है ए बी दिस लाइन इज़ पैरल टू सी डी अगर ए बी लाइन पैरल है सी डी के लाइन पैरल का मतलब क्या होता है कि जो ये बी एंगल है ना ये वाला एंगल ये ये वाले एंगल के इक्वल है सी एंगल के मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स ये अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी तभी लगेगी अगर ये बी ए लाइन सी डी लाइन के पैरल है ठीक है तो ये अगर बी एंगल है तो ये भी कौन सा होगा बी एंगल ठीक है अभी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए कि अगर ट्रायंगल के बाहर एक एंगल गिवन है मतलब एक्सटर्नल कोई एंगल गिवन एक्सटीरियर एंगल तो वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो एंगल ए दैट इज़ इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स देखो ये वाला वैसे तो एंगल ए है इसके साथ वाला ये एंगल है ना ये एंगल नहीं हमने देखना इसके ऑपोजिट वाले दोनों एंगल देखने हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल सो एक्सटीरियर एंगल कितना ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी दिस वी हैव प्रूव्ड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख देना फिर अपना प्रूव हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट हमें गिवन है कि फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है इफ़ एंगल बी इज़ इक्वल्स टू सिक्सटी हमें गिवन है कि जो एंगल बी है वो सिक्सटी डिग्री है और एंगल सी हमें गिवन है दैट इज़ फिफ्टी डिग्री हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए एंगल ए कितना होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो जो हमने अभी प्रूव किया तो क्या प्रूव किया एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी ठीक है इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो एंगल ए वी हैव टू फाइंड एंगल बी कितना है सिक्सटी प्लस एंगल सी कितना है फिफ्टी तो आंसर विल बी वन हंड्रेड टेन तो एंगल ए कितना आ गया वन हंड्रेड टेन डिग्री सिमिलरली वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट एंगल ए हमें गिवन है हंड्रेड डिग्री एंगल बी वी आर गिवन विद फिफ्टी फाइव डिग्री हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है तो एंगल सी कैसे फाइंड आउट करोगे बाई यूजिंग दिस रिलेशन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी वैल्यूज पिट कर दो एंगल ए कितना है हंड्रेड इज इक्वल्स टू एंगल बी कितना है फिफ्टी फाइव प्लस एंगल सी कितना है वी हैव टू फाइंड फिफ्टी फाइव प्लस में जाके माइनस कर दो हंड्रेड माइनस फिफ्टी फाइव इज इक्वल्स टू एंगल सी सो बाई दिस वे यू कैन सोल्व एंगल सी सिमिल यू हैव टू सॉल्व पार्ट थ्री ऑल्सो इट इज ऑल्सो सेम यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक् क्वेश्चन वट शो आर आंसर यू विल गेट दट आंसर यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स ओके नेविंग नाइन्थ क्वेश्चन कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ दे आर इन रेशियो फोर रेशो फाइव रेशियो सिक्स हमें क्या करना है ट्राइंगल्स में हमें एंगल गिवन है एंगल बट हमें गिवन है रेशो के फॉर्म में अगर कभी भी एंगल रेशियो के फॉर्म में गिवन हो ना तो रेशियो को क्या करो एक्स बना लिया करो तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया फोर एक्स सेकेंड एंगल हमारे पास कितना है फाइव एक्स थर्ड एंगल कितना आ गया सिक्स एक्स ठीक है हमें क्या करना है ईच एंगल ऑफ द ट्रा को फाइंड आउट करना है तो तीनों एंगल्स हमें गिवन है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स इज इक्ल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फिफ्टीन एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री फिफ्टीन मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो वन एटी बाई फिफ्टीन जब वन एटी को फिफ्टीन से डिवाइड करोगे तो आपका एक्स का आंसर आ जाएगा ट्वेल्व डिग्री एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो फर्स्ट एंगल कितना आ फोर एक्स है ना फोर एक्स मतलब फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फोर्टी एट डिग्री नेक्स्ट आर हैविंग फाइव एक्स फाइव एक्स का कितना जाएगा फाइव मल्टीप्लाई ट्वेल्व इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट आर हैविंग फॉर सिक्स एक्स सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेल्व इज टू सेवेंटी टू डिग्री ये तीनों एंगल्स गए हमारे इस ट्राइंगल के ठीक है नेक्स्ट आर हैविंग टेंथ क्वेश्चन वन एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इज सिक्सटी डिग्री ट्राइ एंगल में जो हमें ये वन एंगल की वन है कोई भी एक एंगल सिक्सटी डिग्री है अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो जो अदर टू एंगल्स है, वो रेशियो में है फाइव रेशो सेवन तो इसको फाइव एक्स ले लो इसको सेवन एक्स ले लो हमें अदर टू एंगल्स को फाइंड आउट करना है ठीक है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो सिक्सटी प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है सिक्सटी सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स कितना जाएगा हमारे पास ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सिक्सटी कॉन्स्टेंट है और ट्वेल्व एक्स वेरिएबल है तो कॉन्सटेंट को कॉन्स्टेंट के पास ले जाओ ट्वेल्व एक्स इज इक्वल्स टू वन एट्टी सिक्सटी प्लस में जाके माइनस हो जाएगा तो ट्वेल्व एक्स इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिग्री एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन ट्वेंटी बाई ट्वेल्व क्योंकि यहाँ पे ट्वेल्व मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन डिग्री एक्स वी हैव फाउंड सो इसमें पुट कर दो फाइव एक्स कितना फाइव मल्टीप्लाई टेन मीन्स फिफ्टी एंड हेयर वी आर है मल्टीप्लाई टेन दैट इज सेवेंटी तो दोनों एंगल्स कितने आ गए फिफ्टी एंड 70 डिग्री नेक्स्ट मेंन एंगल ऑफ अर ट्राइंगल इज सिक्सटी वन डिग्री ट्राइंगल में जो हमें एक एंगल है वो हमें गिवन है यहाँ पे सिक्सटी वन डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो वन वन बाई टू वन वन बाई टू का क्या मतलब होता है ये टू को मल्टीप्लाई कर दो वन से टू वन ज टू प्लस वन थ्री तो थ्री बाई टू आ गया एक एंगल तो so, एक एंगल कितना है थ्री बाई टू एक्स एंड अदर एंगल इज़ वन वन बाय थ्री वन वन बाय थ्री का मतलब क्या थ्री वन ज थ्री प्लस वन फोर और फोर बाई थ्री की बनाइए ठीक है तो नेक्स्ट so, एंगल कितना है फोर बाय थ्री एक्स हमें ये एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो so, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो सिक्सटी वन प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस फोर थ्री एक्स इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है ये सिक्सटी वन कॉन्सटेंट है ये कॉन्सटेंट के पास ले जाओ कितना आ जाएगा थ्री बाई टू एक्स प्लस फोर बाई थ्री एक्स एसच इज़ इक्वल्स टू वन एटी माइनस सिक्सटी वन डिग्री ठीक है अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे एलसीएम लेके एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में सिक्स बनाना है डिनोमिनेटर सिक्स कैसे बनेगा इसको मल्टीप्लाई थ्री कर दो मल्टीप्लाई थ्री कर दो ये सिक्स कैसे बनेगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू थ्री थ्री ज़र नाइन एक्स प्लस फोर टू ज़र एट एक्स इज़ इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर दो माइनस करने पे आ जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन डिग्री ठीक है अभी क्या करो सिक्स इधर डिवाइड में है, जाके मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा नाइन एक्स प्लस एट एक्स इज़ इक्वल टू सेवन हंड्रेड फोर्टीन नाइन एक्स प्लस एट एक्स का आंसर कितना आ जाएगा सेवनटीन एक्स इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड फोर्टीन अब क्या करो सेवनटीन मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फोर्टी टू डिग्री एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी टू डिग्री तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 42 डिग्री तो एंगल्स कितने आ जाएंगे 3 बाई टू मल्टीप्लाई एक्स एक्स कितना है हमारे पास 42 डिग्री सो फर्स्ट एंगल यू विल इट एज 63 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 4 बाय थ्री एक्स फोर बाय थ्री एक्स मतलब 4 बाय थ्री मल्टीप्लाई फोर्टी डिग्री एंड सेकंड एंगल यू विल इट एज फिफ्टी डिग्री ओके नेक्स्ट विल हैविंग ट्वेल्थ क्वेश्चन फाइंड द अनन नोन मार्क् एंगल्स इन द गिवन फिगर्स हमें क्या करना है ये गिवन फिगर्स में जो अन नोन एंगल्स है उसे फाइंड आउट करना है देखो यहाँ पे अननोन एंगल क्या है एक्स डिग्री है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे हमें यहाँ पे ट्रा एंगल गिवन है अगर तो ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमारे पास होता तो हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के सिंपली ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं पर हमें ये भी एंगल गिवन नहीं है ना तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू टर्म है दैट इज़ लीनियर पेयर लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन पर कोई भी एक और लाइन आ रही है और दो उस लाइन पे वो दो एंगल्स कुछ इकट्ठे एंगल्स पड़े हैं तो उन दोनों एंगल्स का जो प्लस है एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों एंगल्स का जो प्लस है वो वन एटी डिग्री होता है इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर लीनियर पेयर लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे एक एंगल्स का पेयर पड़ा है मतलब एक एंगल एक एंगल दो एंगल्स पड़े हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर सिमिलरली हेयर इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी विल यूज द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी फर्स्ट देन बी विल यूज द एंगल्स एम प्रॉपर्टी तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा लेंगे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे लेट कर लो कि ये वाला एंगल वाई डिग्री है तो वाई कैसे फाइंड आउट करोगे वन हंड्रेड टेन प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रेकेट में लिख देना लीनियर पेयर एंगल्स तो कितना वन हंड्रेड टेन प्लस में जाकर माइनस कर देना वाई आ गया हमारे पास यहाँ पे सेवेंटी डिग्री तो अब ये ट्रैगल में क्या करो एंगल्स एम प्रॉपर्टी यूज कर लो एंगल्स एम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या होता है तीनों एंगल्स के प्लस को तीनों एंगल्स के प्लस को वन एट्टी डिग्री के इक्वल रख दो ब्रैकेट में रख दो एंगल सम प्रॉपर्टी तो कितना आंसर आ जाएगा ट्वेंटी प्लस थर्टी हंड्रेड प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एट्टी माइनस हंड्रेड सो यू विल गेट एक्स एज एट्टी डिग्री एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एज एटी डिग्री फाइन नेक्स्ट वीअर हैविंग सेकेंड पार्ट इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो फर्स्टली वी विल यूज अ लीनियर पेयर ये वाला पार्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे लीनियर पेयर सेलेक्ट कर लो कि इसको एक्स है तो वन ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर एंगल्स एक्स इज़ इक्वल्स टू वन माइनस वन ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी डिग्री एक्स में हम फाइंड आउट कर ली सिक्सटी डिग्री हमें y वाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस वाई इज़ टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन एटी वन ट्वेंटी प्लस में जाके माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिक्सटी डिग्री तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे सिक्सटी डिग्री थर्ड पार्ट वी आर हैविंग इन थर्ड पार्ट डायग्राम इज लाइक दिस फर्स्टली हमारे पास ये कुछ ऐसे ही वन है ये वन हंड्रेड ट्वेंटी टू है ये के एंडर वी आर हैविंग थर्टी फाइव डिग्री तो क्या करेंगे यहाँ पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें ये वल एंगल चाहिए तो ये वल एंगल कैसे आएगा लीनियर पेयर से लेट कर लो कि ये ए एंगल है वन ट्वेंटी टू प्लस ए इज इक्वल्स टू तो वन एटी डिग्री वन ट्वेंटी टू इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ए विल भी फिफ्टी एट डिग्री ए की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी एट डिग्री अब यहाँ पे क्या करो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो के प्लस फिफ्टी एट प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री नेक्स्ट यू हैव टू डू जस्ट प्लस इट एंड देन टेक इट दैट साइड दैट साइड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वन एटी डिग्री ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में कुछ ऐसे डायग्राम गिवन है हमें यहाँ पे हमें गिवन है 135 थर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे ए एंड हेयर वी आर हैविंग 73 थ्री डिग्री तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लोगे लीनियर पेयर लगा के जब ये एंगल को माइनस करोगे 180 से तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45 फाइव डिग्री ठीक है 45 फाइव यूज़ करके आपने बाद में क्या करना एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है इज इक्वल्स टू वन एटी रख लेना जो भी आंसर आएगा वो ए का आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट में हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे गिवन है ये वाली डायग्राम हमें गिवन है जिसमें ये वाला बी एंगल है ये 125 ट्वेंटी फाइव हेयर वी आर हैविंग ए सी एंड हेयर वी आर हैविंग वन फोर्टी हेयर वी आर हैविंग वन फोर्टी डिग्री ठीक है तो वन फोर्टी और सी की तो आप लीनियर पेयर लगा दो वन फोर्टी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर ठीक है सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी डिग्री सी तो हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट फाइंड सी फाइंड आउट हो गया अब हमें फाइंड आउट करना है बी बी भी कैसे करोगे लीनियर पेयर लगा के वन ट्वेंटी फ़ाइव प्लस बी इज़ इक्वल्स टू वन एटी ब्रेकेट में लिख देना लीनियर पेयर ठीक है तो ये आंसर कितना आ जाएगा बी का बी विल बी 55 डिग्री बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 55 डिग्री बी की भी कर ली सी की कितनी थी 40 डिग्री अब ये वाली ट्राइंगल में एंगल्स एम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। ए प्लस अब ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना ठीक है नेक्स्ट हैविंग क्वेश्चन इन सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट फर्स्टली यूज द लीनियर पेयर हमें ऐसे कुछ डायग्राम गिवन है ये वाली हमें डायग्राम गिवन है वन हंड्रेड ट्वेल्व और एक्स को यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना लीनियर पेयर से लीनियर के पेयर के बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है ठीक है नेक्स्ट में हैविंग हेविंगयर सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन में आपने क्या करना है इसको ए लेट कर लेना ठीक है ए लेट करने पे क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी टू प्लस ए इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना ऐ की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे फिफ्टी एट डिग्री ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली फिफ्टी एट डिग्री नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग फिफ्टी एट प्लस के प्लस के इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी और के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना ठीक है सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एट क्वेश्चन सी केयरफुली इन क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ डायग्राम इन डायग्राम वी आर हैविंग है हेयर वी आर हैविंग टू एम एंगल एंड हेयर वी आर हैविंग वन ट्वेंटी टू एंगल ठीक है तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एम की वैल्यू एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे देखो ये डायग्राम में हमें कुछ ऐसा गिन है ट्राइंगल में ट्राइंगल में हमें ये वाला गिवन है फोर एम हेयर वी आर हैविंग टू एम एंड हेयर वी आर हैविंग वन ट्वेंटी टू हमें एम एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे पहले क्या करो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो लाइट कर लो कि ये वाला एंगल ए है वन ट्वेंटी टू प्लस ए इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री वन ट्वेंटी टू है तो प्लस में जाके माइनस हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हेयर यू विल गेट ए इज इक्वल्स टू फिफ्टी एट डिग्री ए की वैल्यू कितनी आगी फिफ्टी एट डिग्री ठीक है अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देखो कि अगर ट्राई के बाहर कोई एक, एक एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स वैसे तो इसके साथ वाला एंगल ये वाला है बट ये वाला एंगल नहीं कंसिडर करना हमने एक्सटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल लग देना एक्सटीरियर एंगल को तो किसके इक्वल आ जाएगा फिफ्टी एट प्लस टू एम और ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ठीक है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है तो कितना आ जाएगा यह टू एम प्लस में जरा के माइनस हो जाएगा फोर एम माइनस टू एम इज इक्वल्स टू फिफ्टी एट सो फोर एम माइनस टू एम विल गिव यू टू एम इज इक्वल टू फिफ्टी एट टू अदर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो डिवाइड करने पे एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी नाइन डिग्री सो एम वी हैव फाउंड ट्वेंटी नाइन डिग्री सो टू एम कितना आ जाएगा टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन इसको सॉल्व कर लेना और फोर एम कितना आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन ओके नेक्स्ट मेंविंग द लास्ट क्वेश्चन सी केयरफुली वॉट इज गिवन टू अस लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या एक गिवन है एक और ट्राइ में हमें क्या गिवन है जो ये एंगल्स गिवन है ये वाला एंगल हमें 105 गिवन है ये वाला एंगल हमारे पास ए है दैट इज़ बी एंड हेयर वी आर ऑल्सो हैविंग बी एंगल ठीक है हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यूज़ ए और बी की वैल्यूज़ कितनी होगी देखो जो ए और 105 एंगल है ये दोनों लीनियर पेयर में है लीनियर पेयर मतलब ए प्लस वन हंड्रेड फाइव इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए विल बी ए विल बी सेवेंटी फाइव डिग्री तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली सेवनिटी फाइव डिग्री है ठीक है और ये क्या करना है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है तीनों एंगल्स का प्लस 180 डिग्री के इक्वल रख दो तो कितना आंसर आ जाएगा सेवनटी फाइव प्लस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू वन डिग्री ठीक है सेवनटी फाइव एज सच बी प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू बी जो वेरिएबल्स इनको एड कर दिया कॉन्सटेंट को एज सच रख लिया इज ईक्वल्स टू वन अब ये वाला सेवेंटी फाइव कॉन्स्टेंट मैं वन के पास लेके जा रही हूँ तो वन के पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखो टू बी इज इक्वल टू वन एटी माइनस सेवन जब आप गेट आंसर टू बीज इक्वल बी इज इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव बी की वैल्यू कितनी आ ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच